नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीम इंडिया के लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के शादी के बारे में। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने सोमवार को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जी हां दोस्तों, मैं बता दूं कि ठाकुर ने मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड मिताली पारुलकर को हमसफर बनाया। दोनों ने मुंबई में मराठी रीति रिवाज के माध्यम से सात फेरे लिए। शार्दुल ठाकुर और मिताली पारुलकर की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। शार्दुल और मिताली के शादी से पहले संगीत सेरेमनी और हल्दी की तस्वीरें व वीडियो भी वायरल हुए थे। यहाँ दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा, अभिषेक नायर और मुंबई टीम के सिद्धेश लॉर्ड भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, शार्दुल और मिताली ने बहुत पहले ही सगाई कर चुके थे। दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करने का फैसला किया था। शार्दुल ठाकुर की पत्नी मिताली पारुलकर अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाती है। पता हो कि भारतीय टीम के शार्दुल ठाकुर लॉर्ड नाम से भी मशहूर है। शार्दुल ठाकुर ने जहाँ साझेदारी तोड़ने वाले गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, वहीं उन्होंने अहम समय पर महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय टीम को संकट से उबारा है। शार्दुल ठाकुर को इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह पाने वाले मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है। 31 साल के ठाकुर ने अब तक 8 टेस्ट, 34 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 27, वनडे इंटरनेशनल में 50 और T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 33 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शार्दुल ठाकुर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।